वंदेहं श्री गुरु। हरे कृष्णा। तो सचिनंदन महाराज ये पुस्तक लिविंग नेम में अगला विषय समझाते हैं, द मटीरियल टंग कैनॉट चैंट। हमारे भौतिक जीवा से हम भगवान के हरि नाम ले नहीं सकते। तो हम सब जानते हैं भगवान सच्चिदानंद है, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है, और हमारी सब इंद्रिय कान नाक जो जीवा है वो सब भौतिक है। तो हमारे भौतिक इंद्रियों से भगवान को कैसे समझ पाएंगे, ये संभव नहीं है। पर भगवान बहुत कृपा करके भौतिक रूपों में आते हैं, जैसे अर्चविग्रह के रूप, पंचधातु के रूप में आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है भगवान का जो हरिनाम है ये दुनिया का शब्द है, ये दुनिया के शब्दों में ही आते हैं, पर ये सब दिव्य है। और इसको पहचानने के लिए, इसका अनुभूति करने के लिए सेवा का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सचिनंदन महाराज भक्ति रसामृत सिंधु के एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक समझाते हैं, अत श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुके ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला हमारे इंद्रियों से हम समझ नहीं पाएंगे, हमारे इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर हमारे पास सेवा का भाव रहेगा, सेवन मुके ही जीवा दो, सेवा के भाव से जब हम भगवान की हरि नाम लेंगे तब धीरे धीरे भगवान का अनुभूति होगा। तो महाराज यहाँ पे समझाते हैं सेवन मुके का मतलब क्या है, इफ फेस टर्न टूवर्ड्स कृष्णा इन सर्विस, जब हम मुख को कृष्ण की ओर मुड़ते हैं सेवा के भाव से, उसको सेवन मुख बोलते हैं। अभी हम सबका जो मुख है भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं, सेवा से हम भाग रहे हैं, कोई सेवा करना नहीं चाहता भगवान कृष्ण का। पर जब हम सेवा का भाव कल्टिवेट करेंगे हमारे हृदय में और वो सेवा के भाव के साथ हरिनाम लेंगे तभी हमको हरिनाम का अनुभूति होगा। इसलिए महाराज यहाँ पे समझाते हैं, तो पहला चीज है टू चैंट द होली नेम इन द मूड ऑफ सर्विस। तो पहला भक्ति का अंग शुरू होता है जिह्वा से, टंग। और जिह्वा का दो कार्य है, एक है उच्चारण करना, दूसरा है चकना। तो इसलिए ये दो चीज, भगवान का हरिनाम का उच्चारण करना और भगवान का प्रसाद चकना, ये दो चीज करेंगे और हमारे जिह्वा को भगवान के सेवा में लगाएंगे, धीरे धीरे बाकी भक्ति के अंग भी आएंगे। तो ये शुरुआत होती है हरि नाम द्वारा, जिह्वा को भगवान के सेवा में लगने से। और महाराज यहाँ पे समझाते हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विथ बीइंग प्रेजेंट माइंडेड व्हेन वी आर हियरिंग सिंगिंग एंड मेडिटेटिंग ऑन द होली नेम। तो ये सब शुरू होता है जब हम हरि नाम कर रहे हैं उस समय पे ध्यान लगाना, विथ ग्रेट अटेंशन, टर्न टू कृष्णा व्हाइल यू चैंट, ये भक्ति है, भगवान की ओर मुड़ना सेवा के भाव में। इसलिए हमारा जहां पे लिखते हैं होली नेम इज आर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ कृष्णा। ये जो बद्ध जीव है हम सबका भगवान के साथ जो संपर्क है शुरुआत होती है हरि नाम से। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वत ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान बताते हैं मुझे कौन समझ सकता है, भक्त्या माम अभी जानाति, सिर्फ भक्त समझ सकते हैं भक्ति के भाव से। और भक्ति का भाव मतलब सेवा का भाव, ये सेवा के भाव से अगर हम भक्ति करेंगे और हरि नाम लेंगे तब हम भगवान को समझ सकते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। सो कृष्णा रिवील्स हिमसेल्फ ओनली टू हिज सर्वेंट्स। भगवान जो भक्तों के अंदर सेवा का भाव है ऐसे भक्तों को ही भगवान अनुभूति देते हैं, अपने आप को, अपना जो स्वयं का दर्शन है ऐसे भक्तों को देते हैं। इसलिए महाराज समझाते हैं सर्विस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, भक्ति का जो हमारे कृष्ण के साथ जो संबंध है वो शुरू होता है सेवा के भाव से। महाराज यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक मैचस्टिक लेते हैं और मैचस्टिक जब जलाते हैं और एक लकड़ी पे जलाते हैं धीरे धीरे वो आग बढ़ता है, तो वैसे ही जब हम हरिनाम लेते हैं सेवा के भाव से धीरे धीरे ये अग्नि प्रज्वलित होके हमारे हृदय के सब अनर्थों को मिटा देता है।
हरे कृष्ण।